हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीबी एजुकेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट एग्ज़ाम 2020 के मार्क्स आउट कर दिए हैं और आप सभी लोगों ने यहाँ पे अपने मार्क्स देख लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिया हुआ है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या IBPS, कट ऑफ यहाँ पे अभी उन्होंने नहीं दिया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट के अच्छे नंबर होने पर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो 90 हैं, 92, 93। मैं अगर महाराष्ट्र को छोड़कर बात करूं तो बहुत सारे अच्छे नंबर होने के बावजूद भी वो प्री पास नहीं कर पाए हैं, तो पता नहीं कितना यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मार्क्स बता देता हूँ, मेरे मार्क्स यहाँ पे कितने कितने यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्क्स की। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 30 में आए हुए, 22.75 हैं। यहाँ पे मैं अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूँ तो 35 में से यहाँ पे 35 हैं। अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करूँ तो 35 में से यहाँ पे 32.50 हैं। टोटल हैं हमारे 90.25 यहाँ से नंबर हैं टोटल। तो दूसरा, मैं जो क्वेश्चन करके आया था वो यहाँ पे 94 यहाँ पे मैं अटैम्प्ट करके आया था। थोड़े से इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे कट गए होंगे। तो पेपर आसान था, देखा जाए तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीलिम्स के, तो असिस्टेंट का एग्ज़ाम बहुत आसान एग्ज़ाम था, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ इसकी हाई होनी, क्योंकि वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ इसलिए आ जाएगी। एग्ज़ाम लेवल भी इजी है, वैकेंसी भी बहुत कम है, तो कट ऑफ तो हाई यहाँ से हो जाएगा। लेकिन उनको कट ऑफ अगर वो यहाँ पे दे देते दे, तो कैंडिडेट को डाउट नहीं रहता, उनको पता चल जाता कि कितने यहाँ पे कट ऑफ गया है। तो दूसरा, जिन लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर है वो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है तो वो अपना SBI क्लर्क मेंस है उसमें यहाँ पे लग जाइए। तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे करना है वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एडिटोरियल की बात करूँ, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जिन कैंडिडेट की वीक है, तो एडिटोरियल में आता है आपका जो एक एप्लीकेशन आता है उसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको रेगुलर पढ़ सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ एडिटोरियल पढ़ने का, एक प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ डालिए डेली एडिटोरियल, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से उसको पढ़िए। दूसरा, आप डाल सकते हैं Vocab 24, ठीक है, इस तरीके से उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। जैसे भी आप उसको पढ़ते हैं या इसको रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद कोई भी आपको जो मीनिंग है या जो भी आपको उसमें दिया हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप यहाँ से टैप कीजिए तो उसका आपको सीधा मिल जाएगा, उसका क्या उसका मतलब है, क्या सिनोनियम से, क्या एंटोनियम से, सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको पढ़िए। दूसरा, एक छोटी सी एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जैसा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो हमारा पास हो जाता है लेकिन मेंस नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं, भी उसकी वजह क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं क्वांट सेक्शन की यहाँ पर बात करूँ, सिर्फ मैं इसमें क्वांट की ही बात करूँगा, क्वांट सेक्शन में प्रीलिम्स में क्या करते हैं, हम DI भी सॉल्व कर लेते हैं, नंबर सीरीज भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं बड़े प्रॉब्लम के, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, तो प्रीलिम्स तुम्हारा क्लियर हो जाता है। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आपको यही सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि इसी पर सारे क्वेश्चन यहाँ पे बेस होते हैं। अगर हम क्वांटिटी की बात करें वो भी इस पर होगा, ठीक है, डाटा, तो अगर हम DI की बात करें तो वो भी यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि DI जो है मेंस पे पूछा जाता है, वो आपका बड़ प्रॉब्लम बेस्ड आपका DI मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपको बहुत जल्दी ही इस चैनल पर आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल के आपको सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, और उसमें जो है सारे सेक्शन आपको कवर किए जाएंगे, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो हमारा जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है वो सारा यहाँ पे क्लियर उसके अच्छे वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपको वीडियो यहाँ पे रेगुलर आगे वाले टाइम में मिलने लगेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरा, आपने मार्क्स जो भी आए हैं विद स्टेट आप यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए। और सबसे पहले छोटी सी बात हो रही है यहाँ पे, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, GA सेक्शन के लिए आपको वीडियो देखना है तो आराम से आप वीडियो देखते हैं, लेट कर वीडियो देखते हैं, बैठ कर वीडियो देखते हैं, उसको याद कर लेते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं नहीं हो पाता है, तो क्या करना है, अभी अपना सेल्फ नोट्स बना के रखने हैं, करंट अफेयर हो या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो भी आपका है उसका नोट्स बनाइए, शॉर्ट में लिख लीजिए उसको, ठीक है, अपने जो खुद के समझ में आ जाए रिविज़न करने के लिए, और उसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो हम उसको भूल जाते हैं, रिवीजन करना उसका, और डेली बेसिस पर हमको उसको पढ़ना है, स्टार्ट करना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सोर्सेज लिमिटेड रखो लेकिन उनको रिवीजन करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।